दुनिया भर में कोरोना महामारी जैसे जैसे फैल रही थी, सोने की कीमतें बढ़ती जा रही थी। मार्च से अगस्त तक सोने की कीमतों में एक तरफा रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन आने की खबरें आ रही हैं, सोने की चमक भी फीकी पड़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में 4 साल में सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखने को मिली। दरअसल दुनिया भर में कई कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, जिसमें कई कंपनियां आखिरी स्टेज पर हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। भारत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीन की खबर से इकॉनमी में रिकवरी की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.2% की गिरावट के साथ $17.66 प्रति औंस रह गई। नवंबर में अब तक सोने की कीमत में करीब 6% की गिरावट आई है। ये नवंबर 2016 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 नवंबर को चांदी की कीमतों में भी 3.2% की भारी गिरावट आई और ये $21.96 प्रति औंस पहुंच गई। एक तरह से पिछले 4 साल में नवंबर गोल्ड के लिए सबसे खराब महीना साबित हुआ। कोरोना संकट की वजह से लोग सोने में निवेश की तरफ भाग रहे थे और वैक्सीन की खबर से लोग अब बिकवाली कर रहे हैं। गोल्ड ने अपना पिछला उच्च स्तर अगस्त के पिछले हफ्ते में छुआ था। सोने का भाव 7 अगस्त को 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अब दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 51,000 और 22 कैरेट सोने का भाव 46,350 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस आधार पर सोने की कीमतों में पिछले उच्च स्तर से 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हो चुकी है। वहीं चांदी का भाव 10 अगस्त को 78,256 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो 30 नवंबर को 59,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस आधार पर चांदी की कीमतों में 19,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की कमी आ चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार और अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से निवेशक सोने को छोड़कर शेयरों का रुख कर रहे हैं। यही नहीं, आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में भारी उछाल की संभावना नहीं है। साथ ही डॉलर पर दबाव देखने को मिल रहा है। वैक्सीन की खबर से डॉलर 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। इस वक्त शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सोने के आभूषणों की ठीक ठाक मांग है। घरेलू खपत बढ़ने से सोने की गिरती कीमतों को सहारा तो मिल सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा। अब निवेशक भी गोल्ड से पूंजी निकालकर शेयर बाजार या दूसरे विकल्पों में निवेश कर रहे हैं, जिस वजह से सोने की कीमतों में रिवर्स गियर लगना लगभग तय है।